আমার ভিতরে লোক আছে নাকি? तुम जमी पे जुल्म लिखो, आसमान में इनकलाब लिखा जाएगा। दोस्तों, जब सत्ता का घमंड सर चढ़कर बोलने लगे और तख्त नशीं खुद को खुदा समझने लगे तो खल्के खुदा उसे सड़क पर घसीट लेती है। बांग्लादेश की चौकीदारी से बनी जबरदस्त बहुमत वाली सरकार की मुखिया शेख हसीना इस्तीफा देकर अपने मुल्क से झोला उठाकर फरार हो गई हैं और भारत में घुसपैठ कर गई हैं। CAA या NRC इन पर लागू होगा या नहीं, ये तो वो और यहाँ के सो कॉल्ड चौकीदार ही जाने, जो खुद इनकी तरह दो कश्तियों पर सवारी का फिलहाल मजा ले रहे हैं। बहरहाल, भारत के चारों ओर फैलते केओस यानी अराजकता सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा पैगाम नहीं है और भारत के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसका नॉर्थ ईस्ट पहले ही वॉल्केनो बन चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भारत की तकरीबन 4000 किलोमीटर की सरहद लगती है, लिहाजा चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की चुनौतियों को देखते हुए भारत के लिए इस इलाके में ऐसी सरकार की जरूरत है जो उसकी दोस्त हो। जानकारों के मुताबिक शेख हसीना से पहले की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट भारत में अलगाववादियों को पनाह देने में अहम किरदार निभाया था। बांग्लादेश के कैंपों से नॉर्थ ईस्ट भारत में अलगाववादी आंदोलन को जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा था, उसे कुचलने में भी शेख हसीना सरकार ने अहम रोल अदा किया था। वहां रह रहे अलगाववादी आंदोलन के बड़े नेताओं को बांग्लादेश सरकार ने भारत को सौंप दिया, जिसमें उल्फा नेता अरविंद राजखोवा समेत कई दूसरे अलगाववादी नेता शामिल हैं। अब वो भारत से पीस टॉक कर रहे हैं। खैर, इन सबके बीच शेख हसीना का बांग्लादेश से भाग जाना जाहिर सी बात है कि भारत के लिए ठीक साबित नहीं हो सकता है। वैसे तो आवाम जब सड़क पर आती है तो बड़े बड़े तानाशाहों का तख्तो ताज हिल जाता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ है। रिजर्वेशन के विरोध में जनता ने आंदोलन किया और बात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने तक आ गई। खैर, उनके इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ ने एक अंतरिम सरकार के गठन का ऐलान किया है और शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर आर्मी के हेलीकॉप्टर से भारत पहुंच चुकी हैं। जय डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जिंदा लोगों के लिए ही है। दोस्तों, बांग्लादेश में कई जगहों पर लोगों को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों को तबाह करते देखा जा रहा है। बांग्लादेश अवामी लीग लंबे अरसे से शेख मुजीबुर रहमान की पर्सनालिटी के अराउंड सेंटर्ड और फोकस्ड रही है। 1971 यानी 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलाने वाले राष्ट्र के फाउंडिंग फादर के तौर पर सम्मानित मुजीबुर रहमान की पॉपुलैरिटी आजादी के फौरन बाद के सालों में बढ़ गई थी। हालांकि वक्त के साथ साथ उनकी हुकूमत पार्टी के मेंबर्स और करीबी रिश्तेदारों के बीच करप्शन और भाई भतीजावाद से ग्रस्त हो गई। 1975 में टू कॉन्फिडेंट मुजीबुर रहमान ने न्यूज़पेपर्स पर बैन लगाकर और ऑपोजिशन पार्टीज को भंग करके वन पार्टी सिस्टम को एस्टैब्लिश किया था। इस ऑटोक्रेटिक यानी निरंकुश बदलाव ने उनके पब्लिक सपोर्ट को भारी तौर से तबाह कर दिया और मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली ट्रेजिक हत्या में ट्रांसफॉर्म हो गई। ऐसा दिखाई देता है कि 2008 में दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाली शेख हसीना की सरकार भी इसी रास्ते पर ही चल रही। उनके एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने, केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म करने और अनचेक्ड करप्शन को फैलने देने, मतलब काफी इफेक्टिव ढंग से क्लासिक जागीर बनाने का खेल चला। ऑपोजिशन पार्टीज को तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंट कर दिया गया। सैकड़ों हजार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP और बांग्लादेश जमात इस्लामी के मेंबर्स को झूठे इल्जामों में जेल में डाल दिया गया। शेख हसीना ने डेमोक्रेसी की आड़ में पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन उनको भी उसी तरह का वक्त या फेट का सामना करना पड़ा जैसा उसने दूसरों ओपोनेंट के लिए तय किया था। बांग्लादेश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तस्वीर को देखें, ये मोहम्मद नाहिद इस्लाम है। नाहिद इस्लाम को 20 जुलाई 2024 को घर से पुलिस उठा ले गई। रात तकरीबन 8:30 बजे सादे कपड़ों में 20-25 लोग घर आए थे। नाहिद के घर के लोगों ने उसे इस बात की जानकारी दी थी, इसीलिए नाहिद सिक्योरिटी के लिए इमारत की छत पर चला गया। वहां पर आए लोगों में से एक ने उसकी पहचान पूछी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आंख पर पट्टी बांधकर किसी अनजान जगह ले गए। कई रात तक नाहिद इस्लाम का पुलिस ने टॉर्चर किया।
उसके हाथ की हड्डी कई जगह से तोड़ डाली। ये उस वक्त की बात है जब बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन का दमन करने के लिए शेख हसीना ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी थी और ढाका यूनिवर्सिटी के एक मामूली स्टूडेंट नाहिद इस्लाम पर बारबारिक जुल्म किया गया। इसी नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। टूटा हाथ लेकर नाहिद ने भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन बनाया और उसके 157 कन्वेनर में से खुद एक नाहिद इस्लाम कोऑर्डिनेटर के तौर पर सिर्फ 15 दिन में पूरे बांग्लादेश के स्टूडेंट्स को उन्होंने एक किया और सत्ता से लड़ गया। 4 अगस्त 2024 मतलब 3 दिन पहले फुल नॉन कोऑपरेशन आंदोलन का ऐलान किया गया जिसमें शेख हसीना और उनके कैबिनेट मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा गया। बांग्लादेश की सरकार और सेना ने नाहिद इस्लाम से समझौता करना चाहा। नाहिद इस्लाम की अगुवाई में आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के कन्वेनरों ने बातचीत का प्रधानमंत्री शेख हसीना के इनविटेशन को ठुकरा दिया। नाहिद इस्लाम ने कहा था कि इमरजेंसी या कर्फ्यू को कोई बांग्लादेशी कबूल नहीं करेगा और ना ही हम कोई बातचीत करेंगे। नतीजा ये रहा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर भागना पड़ा, फौज को सरेंडर करना पड़ा। आज बांग्लादेश में नाहिद इस्लाम सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक चेहरा है। जो लोग समझ रहे हैं कि कहानी खत्म हो गई वो मुगालते में है, क्योंकि बांग्लादेश में फौजी हुकूमत नहीं डेमोक्रेसी ही रहेगी। तानाशाह डेमोक्रेसी के रास्ते आते हैं और मॉबोक्रेसी यानी भीड़शाही के हाथों ठिकाने लगा दिए जाते हैं। इस बीच वो मनमानी करते हैं, आवाजें कुचलते हैं, ऑपोजिशन को ठिकाने लगाते हैं। हालांकि उन्हें बार बार बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस लोगों के एस्पिरेशंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को जिंदा रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अपने चलती में वो किसी की नहीं सुनते हैं और जब ढीले पड़ते हैं तो कोई उनकी नहीं सुनता है। ना ऐसा पहली बार हुआ है और ना आखिरी बार हो रहा है। खैर, बांग्लादेश के तौर पर भारत ने कल एक अच्छा दोस्त खो दिया है। आप शेख हसीना के 15 सालों के राज में बेशक तानाशाही को देख सकते हैं, लेकिन देश की सत्ता को चीन के तरफ जाने से उन्होंने रोका हुआ था, लेकिन चीन ने दिखा दिया कि सियासी तमाशे के तहत सत्ता बनती है और उखाड़ी भी जा सकती है। यह खतरनाक खेल है। भारत की मोदी सत्ता श्रीलंका और मालदीव के बाद तीसरी बार अपने पड़ोसी मुल्कों को चीन के नजदीक जाने से रोक नहीं पाई। ये मोदी सत्ता की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक नाकामी है, क्योंकि श्रीलंका की तरह बांग्लादेश इकोनॉमिकल तौर से तबाह नहीं है। 2009 में बांग्लादेश का जीडीपी $102 बिलियन था, जो अब 455 बिलियन है। 317% की यह बढ़ोतरी वहां की मैन्युफैक्चरिंग हब की वजह से हुई है। जिस जीन्स को बांग्लादेश 80 रुपए में सिल देता है, भारत में लोग उसे 400 रुपए में लेते हैं। नतीजा यह है कि 2009 में बांग्लादेश जहां $17.36 बिलियन का एक्सपोर्ट करता था, वहीं अब 50 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। 300% का इजाफा काफी बड़ा अचीवमेंट है। भारत में मोदी सरकार ने इकोनॉमिक मोर्चे पर 0% कामयाबी हासिल करी है। बस मुसलमानों से नफरत करने का तमाशा उनका कामयाब है, लिहाजा लोग बांग्लादेश के तख्ता पलट पर खुश और चुप हैं। मौजूदा भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से आगे देख नहीं पा रही है। हसीना सरकार ने बीते चुनाव में ऑपोजिशन का गला घोटकर भयानक गलती करी थी। पिछले 10 सालों से यहां भी यही काम ही हो रहा है, आप सबको मालूम ही है। चीन अब तख्ता पलट के बाद अपने इंटरेस्ट वाली सरकार चाहेगा। उसके पास बांग्लादेश का सस्ता बाजार है, कहीं ना कहीं वहां की फौज का सपोर्ट भी। भारत की मौजूदा सत्ता से उम्मीद ना करें कि वो चीन की घेराबंदी को तोड़ पाएगी, क्योंकि हमारे नेता मुल्क के लोगों को आपस में ही लड़वाने में बिजी रहते हैं। वैसे भी माफी वीरों के वंशज लड़ते नहीं, लड़वाते रहे हैं। कुल मिलाकर पड़ोस में आग लगी है और हमारे पास बुझाने को चुल्लू भर पानी भी नहीं। अब सबसे अहम बात यह है कि बांग्लादेश में वहां के फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई हैं। दरअसल पिछले 15 सालों से सत्ता में रही उनकी बेटी शेख हसीना ने सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। अपने साहिब की तरह उन्हें भी फोटो और बैनरों की भयंकर बीमारी थी, मगर वो अपने पिता को हर जगह, हर चौराहे पर, हर इनॉग्रेशन, हर मौके पर, हर सड़क पर, हर पेट्रोल पंप पर उनकी मूर्तियों और पोस्टर लगवाती ही रही। पोस्टर और मूर्तियों से पूरे बांग्लादेश को पाट दिया। जनता शेख मुजीबुर रहमान की शक्ल से ऊब गई, उनकी शक्ल से उन्हें चिढ़ पैदा हो गई।
उनकी बेटी शेख हसीना के खिलाफ पैदा हुए गुस्से का असर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियों पर पड़ना ही था। धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश से ऐसी मूर्तियों का सफाया हो सकता है। खैर, भारत और बांग्लादेश के बीच पिछले 53 सालों से काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। पिछले साल नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने बांग्लादेश को स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया था। बांग्लादेश इकलौता ऐसा पड़ोसी मुल्क था जिसे भारत ने G20 में इतनी तवज्जो दी थी, लेकिन अब शेख हसीना का प्रधानमंत्री न रहना भारत के लिए कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। बांग्लादेश की सियासत के दो बड़े और अहम चेहरे हैं, बांग्लादेश अवामी लीग की शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP की खालिदा जिया। पिछले 15 सालों से बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सरकार थी और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज थी। भारत बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को देखना चाहता था, क्योंकि कहा जाता रहा है कि शुरू से ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का झुकाव इस्लामिक कट्टरपंथियों की तरफ रहा है। वो हमेशा से पाकिस्तान की वकालत करते आए हैं, जिसका फायदा चीन को मिलता रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोस्त हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो फिर आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बनकर के या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक मैंने अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर एक्स हैंडल है @ArshiAzizKhan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।